मैं शालिनी। अगर आपको किसी भी रीज़न पे मेरा वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास में जो बेल बटन होता है उस पर क्लिक कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन पर आ जाए। हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे जिसका नाम है शालिनी रियल लाइफ। और आज का टॉपिक देख के आपको पता चल गया होगा कि आज का जो वीडियो है किस टॉपिक के ऊपर है। तो आज का जो वीडियो है एक DIY है और ये वॉल डेकोर DIY है जो आपकी घर की वॉल को बहुत सुंदर और कलरफुल बना के रखेगा, बहुत ही कम बजट में तैयार हो जाएगा। और जैसे कि सब लोग सोचते हैं कि हम लोग रेंटेड हाउस में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं तो क्यों इतना ज़्यादा मनी वेस्ट करना, तो ये बहुत ही कम बजट में आपको तैयार हो जाएगा आपका ये DIY। जो उसके लिए हम जो जो चाहिए मैं आपको बताती हूँ क्या चाहिए। और यहाँ पर जो जो हम सामान यूज़ कर रहे हैं DIY के लिए, तो सबसे पहले ये डिस्पोजल प्लेट्स, एक्रेलिक कलर्स, ब्रशेस एंड रबर टेप, और ये सभी के घर में अवेलेबल होता है। मैं यहाँ पे कलर करना स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैंने सबसे पहले रेड कलर चूज़ किया है। मैं रेड कलर कर रही हूँ इसमें हाफ हाफ में पूरे में। इसके बाद मैं ऑरेंज कलर से शेड करूँगी इसमें। यहाँ अपने हिसाब से अपने कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, बस शेड मैच होना चाहिए। उसके बाद मैं ऑरेंज कर रही हूँ। इसके बाद मैं येलो कलर से करूंगी। देखिए कितना अच्छा शेड डल रहा है, बहुत इजी है करना, तो आप आराम से कर सकते हैं इसको। ये अच्छे से ड्राई हो चुका है तो मैं इस पर कुछ आर्ट बनाऊंगी। मैं इसमें वर्ली आर्ट बना रही हूँ। बिल्कुल हल्के हाथों से इसमें पेंसिल चला रही हूँ क्योंकि ये थर्माकोल की शीट, इसमें ज़्यादा आप नोक वाले इस पेंसिल से नहीं चला सकते, नहीं तो इसमें गड्ढा हो जाता है। तो बिल्कुल आपको भी दिख भी नहीं रहा होगा मैं इतने हल्के हाथों से कर रही हूँ ताकि मुझे ही समझ में आए। तो जब आप लोग बनाएँ तो आप इसका ध्यान रखें। ये अच्छे से मैंने इसका ड्रॉ कर लिया पेंसिल से, इसमें आपको दिख नहीं रहा है, तो इसमें मैं ब्लैक से करूँगी। तो आपको इसमें मैं स्टार्ट कर रही हूँ वर्ली आर्ट बनाना और ये बहुत ही इजी है बनाना वर्ली आर्ट, तो मेरे को बहुत इजी लगता है तो मैं इसे बहुत ज़्यादा बनाती हूँ जब भी कुछ आर्ट वाला काम करना रहता है। छोटा सा पेड़ जैसा डाली तो निकल रहा है, उसमें मैं बना रही हूँ लीव्स। और ये छोटे छोटे से फ्लावर बना रही हूँ।
वाला पेंटिंग तैयार है। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, वर्ली या फ्लावर या और कुछ भी। और सेकंड में बना रही हूँ, ब्लू कलर में ली है। और इसमें मैंने पेड़ वाली थीम बनाई है और ये मैंने बिल्कुल फ्री हैंड बनाई है। अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है तो आप फ्री हैंड बना सकते हैं, और अगर नहीं है तो आप पहले पेंसिल से बना लीजिए, फिर उसके बाद कलर कर लीजिए। तो यहाँ मैं फ्री हैंड बना रही हूँ। आपको भी देखने में लग रहा होगा कि ये बहुत इजी बन रहा है, तो आप ट्राई ज़रूर करें घर पे। इसमें अगेन मैं छोटे छोटे फ्लावर बनाऊंगी, तो ये ब्रश की हेल्प से ही बना रही हूँ मैं पीछे की नोक से। और इसमें मैं पिंक कलर के फ्लावर बना रही हूँ क्योंकि वाइट और पिंक अच्छा लगता है। तो जहाँ आपको खाली जगह दिखे वहाँ फ्लावर बना दीजिए। थर्ड जो मैंने बनाया था वो एक छोटा सा ट्री जैसा बनाया था, उसमें फ्लावर निकलते हुए, ये भी बहुत इजी था बनाना। ये रेडी हो चुकी है सारी प्लेट्स। तो आप कोई भी थीम सेलेक्ट कर सकते हैं, या तो वर्ली या फिर फ्लावर या फिर प्लांट्स या फिर बर्ड्स वाला। तो ये आपके ऊपर डिपेंड किया करता है कि आप कौन सा थीम सेलेक्ट करते हैं। यहाँ मैंने सब तरह का आप लोगों के लिए बना के रखा है ताकि एक आपको आइडिया हो जाए। अच्छे से ड्राई हो चुका है तो मैं इसे दीवार पे चिपकाऊंगी। तो मैं डबल टेप जो आता है उसकी हेल्प से इसको वॉल पे चिपकाऊंगी। और ये मैंने लगा दिया है अच्छे से। तो आप अपने हिसाब से शेप में लगा सकते हैं। यहाँ मैंने 3-2-1 करके लगाया है। आप कुछ भी सर्कल बना सकते हैं या कुछ भी एंगल में लगा सकते हैं जहाँ आपको लगाना है। और देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये कलरफुल एकदम। तो आप भी अपने घर की दीवार को ऐसे सजा सकते हैं और आप एक थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेड़ की या वर्ली या प्लांट मैंने अलग अलग किया है, आप कोई एक भी कर सकते हैं अलग अलग कलर के साथ। और अगर आपको मेरा वीडियो
अच्छा लगा है तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसा लगा। और आप मेरे पहली बार मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।